निम्नलिखित में से किस रचना में हमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है मिफ्ता उल फुतुह है, बी ऑप्शन है तुगलक नामा, सी ऑप्शन है नरह ए सिपेहर, डी ऑप्शन है खजाइन उल फुतुह है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, खजाइन उल फुतुह है। जो हमीर खुसरो है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था सन 1303 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था, उस समय जो हमीर खुसरो है वो किसके साथ थे? अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। और हमीर खुसरो ने पूरे चित्तौड़ का जो आक्रमण का संजीव वर्णन है वो किस में किया है? अपनी पुस्तक, अपनी रचना खजाइन उल फुतुह के अंदर किया गया है। और जो हमीर खुसरो है इसने बताया कि सन 28 जनवरी सन 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर दिल्ली से रवाना हुआ था, और इसने चित्तौड़ी डोंगरी नामक स्थान पर चित्तौड़ी डोंगरी के ऊपर क्या अपना पे इन्होंने कम से कम 8 महीने तक इसने अपना शिविर लगा के रखा। कितने माह तक? 8 माह तक। और उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राव रतन सिंह था। और रानी, उसकी सुंदर रानी पद्मिनी को पानी की लालसा में इसने क्या है, चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, तो जो अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फुतुह है, इसके अंदर चित्तौड़गढ़ के आक्रमण का, चित्तौड़गढ़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए आक्रमण का पूरा संजीव चित्रण हमें वहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये किस में किया गया था? खजाइन उल फुतुह, जो अमीर खुसरो की रचना है। और चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण करने के समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही था।